पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विजन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। 15 महीने में उन्होंने एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया। कमलनाथ ने युवाओं को ढोल चराने और बैंड बजाने का विजन दिया था। कमलनाथ ने 15 महीने में प्रदेश का बैंड बजा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 महीने में कमलनाथ ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। कमलनाथ का विजन युवाओं को ढोर चराने और बैंड बजाने का था। उन्होंने पूरा पैसा छिंदवाड़ा भेज दिया, प्रदेश की बैंड बजा दी। कमलनाथ के ध्वजारोहण को लेकर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराएंगे तो हमें भी बताना, हम भी देखने जाएंगे। हिंदू धर्म के भगवान के खिलाफ बयानबाजी को लेकर नरोत्तम ने तीखे स्वर में कांग्रेस के नेताओं की आलोचना की और कहा कि राम भगवान का नाम लेकर छपास करना निंदनीय है। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उस दिन सर्वाधिक पीड़ा या फिर बाबर के मन में हुई होगी या फिर उनके समर्थकों के मन में। विधायक टूटने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए कि आखिर उन्हीं के विधायक क्यों टूट रहे हैं। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को। एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, कहीं दिखें तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। पीड़ादायक प्रसंग है ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना। एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, इस तरह का व्यंग किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान की फुर्सत में है इस वक्त, और वास्तव में अपनों को रोकना चाहिए। ये परंपरा उनकी पार्टी में ख़त्म हो गई है। उन्हीं की पार्टी में क्यों ये परंपरा चलती है, उन्हीं की पार्टी के लोग बिछते या टूटते क्यों हैं जो वो कहते हैं, उनको चिंतन करना चाहिए बैठ के। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।